ब्रिजभूषण शरण सिंह को नहीं मिला टिकट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बीजेपी ने आखिरकार यूपी की दो हाई प्रोफाइल सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कैसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा गया, जबकि रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दी गई। इन सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन शुक्रवार है। इससे पहले सुबह एक वीडियो सामने आया जिसमें करण अपने पिता ब्रिजभूषण सिंह के पैर छूते दिखाई दिए थे। मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी को, सारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं अपने पिता के मार्गदर्शन पे यहाँ पे चुनाव का पूरा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में अब महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने एक आदेश दिया जिसमें ये साफ किया गया कि अब एसोसिएशन में एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा। इसके तहत एसोसिएशन के ट्रेजरी यानी कोषाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा एसोसिएशन की कार्य समिति के 9 में से 3 सदस्यों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये आदेश 16 मई को होने वाले चुनाव के दौरान से ही लागू हो जाएगा। बिहार की सारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी ने भी अपना पर्चा भर दिया है। ये पर्चा भरने से पहले उन्होंने अपने पैतृक आवास में पूजा पाठ किया, फिर मंदिर में भी दर्शन कर रोड शो निकाला। रूड़ी इस सीट से लगातार तीसरी बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस नामांकन के समय उनकी पत्नी और दोनों बेटियां भी मौजूद रही। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर से अलग अंदाज में नजर आईं। दरअसल वो नाड़िया में एक रैली के दौरान डांस करती दिखाई थी। इस दौरान उनके साथ मंच पर महुआ मोइत्रा ने भी डांस किया। महुआ यहीं की कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में एक रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उमेश मकवाना और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा की संबलपुर सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने रोड शो भी निकाला जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।